कानपुर में एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। आखिर ये घटना क्या है, आइए मैं शुरू से बताती हूँ। हाईवे पर वाहनों का उचित दूरी ना बनाकर चलने के भूल 5 परिवारों की खुशियाँ लूट ले गया। कम दूरी होने से आगे चल रहे डंपर के ब्रेक लगाने पर कार उसमें जा घुसी और पीछे आ रहे सरिया लदे ट्रॉला ने ऐसी टक्कर मारी कि कार दोनों बड़े वाहनों के बीच पिचक कर गठरी बन गई। कार सवार PSIT के 4 बीटेक छात्राओं और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 2 छात्राएं भी थीं। उनके शव पूरी तरह से चूर चूर हो गए थे। ये इलाका भौती हाईवे के पास ये हादसा हुआ, भीषण हादसा। इसके बाद कुछ ही देर पहले कार सवारों की चीख सुनाई दे रही थी, फिर सब शांत हो गया। 40 मिनट तक कटर से कार की छत और दरवाजे काटने के बाद शव दिखने शुरू हुए। डंपर और ट्रॉला के चालकों के खिलाफ गैर हत्या सहित अन्य धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया। आपको मैं ये भी बता दूं, आगे चल रहे डंपर को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था और इस वजह से उसके बहुत करीब आ गया था। ब्रेक लगाने से कार उसमें जा भिड़ी। उस समय रफ्तार बहुत ना होने की वजह से कार और उसमें जो सवार थे उन लोगों को बहुत नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पीछे आ रहा ट्रॉला उनके लिए काल बन गया। बताया जा रहा है कि ट्रॉला में 70 टन से ज्यादा सरिया लदी थी। ट्रॉला ने भी ब्रेक लगाया, लेकिन इतना बोझ लदा हुआ था कि रुकते रुकते 70 से 100 मीटर की दूरी तय कर ही लेता है, जो उस वक्त नहीं थी। ये सभी वाहन 20-25 मीटर की दूरी पर चल रहे थे। रफ्तार बहुत ज्यादा ना होने के कारण 70 से 90 मीटर की दूरी वाहनों के बीच होनी ही चाहिए। कार में सभी छात्र और ड्राइवर चकेरी के सनीगवा रोड के रहने वाले थे। इसमें स्कूल संचालक राजेश सिंह का बेटा प्रतीक उर्फ अनूप सिंह 20 साल का था। PSIT में इलेक्ट्रॉनिक का बीटेक 4th ईयर का छात्र था। सोमवार सुबह प्रतीक मोहल्ले के ही अपने सहपाठी बीटेक डेटा साइंस 3rd ईयर की छात्रा सतीश सिंह 20 साल का था बीटेक का छात्र था। कंप्यूटर साइंस 1st ईयर की छात्रा आयुषी पटेल जो कि 18 साल की थी बीटेक कर रही थी। कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर की छात्रा गरिमा त्रिपाठी 19 साल की थी और साथ में विजय साहू जो कि 50 की ऊपर की उम्र के थे, कार से PSIT जा रहे थे। कॉलेज से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही चकेरी भौती एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हो गया और ये भी सूचना मिली कि निवासी विश्वास शुक्ला ने बताया कि हादसा होते ही कार में फंसे चालक विजय साहू और चारों छात्राओं के चीखे सुनकर राहगीरों ने किसी तरह डंपर को धकेल कर आगे किया। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। कार में खून से सने बैग और यूनिफॉर्म देखकर PSIT प्रबंधन को सूचना दी गई। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सिर और सीने में कार का डैशबोर्ड टकराने से पसलियां चकना चूर हो गई और ज्यादा से ज्यादा खून बहा, जो कि मौत का कारण बन गया। ये घटना हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर से आ रही है और सूचना ये मिल रही है कि जो दोनों चालक थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी हाईवे से गुजरते हैं या किसी भी ऐसी जगह से गुजरते हैं, किसी रोड से अगर आपके सामने भी बड़ा वाहन आगे है, पीछे से भी ट्रक है, तो वहां से बचने की कोशिश करें, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई बता नहीं सकता। इसलिए पहले से सावधान रहिए तो ज्यादा अच्छा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि लोग जागरूक भी हो पाए कि ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जैसा आप सोच रहे हैं कि वो ब्रेक नहीं लगाएगा, ये हादसा नहीं होगा, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए जागरूक रहें और बहुत आराम से गाड़ी चलाएं, दूरियां ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर रखें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रेडियो कानपुरिया 91.9 FM लगाते रेडियो।